का क्या जहां विकास की किरणें अब तक नहीं पड़ी। इमारतें सड़कें तो छोड़िए, शहर की चकाचौंध के आगे अंधेरे में डूबे गांव में शौचालय तक नहीं है। महिलाएं खुले में शौच को मजबूर है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश में एक गांव ऐसा है जहां बिजली पानी हो ना हो, लेकिन हर गांव में शौचालय जरूर है। बिजनौर भले ही तरक्की की राह में अभी काफी पीछे हो, लेकिन मुबारकपुर कला गांव के लोगों ने शौचालय बनाकर ऐसी मिसाल पेश की है जिसमें शहरों की चमक भी फीकी पड़ गई है। देश में गांव का विकास इसलिए रुक जाता है क्योंकि नेताओं की नाकामी या नियत में खोट की वजह से सरकारी पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस गांव के लोगों ने ना सरकार से मदद की आस की, ना प्रशासन से गुहार लगाई, बल्कि खुद ही पैसा जुटाकर गांव को खुले में शौच मुक्त बनाया। कहते हैं गांव में रह रहे लोगों की आय इतनी भी नहीं होती है कि वो ठीक से पेट भर खाना खा पाए। बावजूद इसके इन गांव वालों ने प्रशासन से मिल रही 17.5 लाख रुपए की मदद को ठुकराकर अपने दम पर गांव को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इंस्पेक्शन के बाद मुबारकपुर कला गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम बहुल इस गाँव में 661 परिवार रहते हैं जिनकी जनसंख्या 3500 है। देश तभी बदलता है जब लोगों की सोच बदलती है। इस गांव के लोगों की सोच ने तो ना सिर्फ शहर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनके लिए भी एक संदेश है जो सरकारी मदद के आसरे विकास की राह तकते रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि यह रमजान का महीना है और अच्छे कामों के लिए मदद नहीं ली जाती। घरों में शौचालय बनाना अच्छा काम है, हम यह खुद करेंगे। CDO ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह राज्य का पहला गांव है जिसने पैसे लेने से मना करते हुए शौचालय बनवाए हैं। मुबारकपुर कला गांव की पहल उन सभी के लिए सीख है जिन्होंने खुले में शौच मुक्त की शुरुआत नहीं की। इस गांव ने साबित कर दिया कि सिर्फ सरकार के आश्रय ही विकास नहीं किया जा सकता, बल्कि खुद के दम पर भी मिसाल कायम की जा सकती है। देखते रहिए DP Live।